हाँ जी दोस्तों क्या हाल है उम्मीद है आप लोग सब बहुत खुश हो बहुत अच्छे हो आज हम क्या करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो है उसको रिवाइज़ करने वाले हैं ये जो टॉपिक है ये पेपर सिक्स डी के लिए रेलेवेंट है और ये सर रिवीजन वीडियो होगा ये बिल्कुल भी आपके क्लास का या आपके कॉन्सेप्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ हमें सिर्फ तोते की तरह सारा आपको बोलता जाऊंगा उसका रीजन क्या है है सर उसका रीजन ये है कि जब आप करोगे ना कभी कभी होते हैं कुछ एक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं तो अगर मैं ऐसे वीडियो सारे एक्ट्स के बना दूंगा तो आप उसको जब भी चाहो देख सकते हो और आपको कॉन्सेप्टन हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो उसके बाद आप खुद से पढ़ सकते हो तो अब हम इस वीडियो में फटाफट रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसमें की क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो सारे प्रोविजन फटाफट पढ़ लेंगे तो एक्ट का नाम क्या है सर? रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट टू लेटेस्ट एक्ट है सर र्नी वर्नी छोड़ दो कुछ काम नहीं आने वाली जर्नी वर्नी अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से शुरू करना है सबसे पहले सर एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था एक तो रेरा रह अथॉरिटी करेंगे उसके अलावा जितना भी सेल हो रहा है रियल स्टेट का वो एफिशियंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में वो हम ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इफेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे मेनिज्मेंट ऑफ एंड ऑफ वार्ड अपले ट्रिब्यूनल ये पांच चीजें हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट टू थाउजेंटी किसको एप्लीकेबल है सर सबको एप्लीकेबल है ये जो हैोमिनेंट फीचर्स वाला सेक्शन दिख रहा है ना सर ये पूरा समरी है लेकिन यहां से मैं कवर करूंगा ना तो आपका शायद पूरा कवर नहीं होगा इसलिए मैं एक बार इंपॉर्टेंट सेक्शन बाई सेक्शन चलता हूं स्कोप ऑफ रेरा छोड़ दो सर आ जाओ सीधा के सीधा पेज नंबर 2.16 पॉइंट वन में डेफिनेशन में डेफिनेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर करवा देता हूं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है एडवर्टाइजमेंट मतलब सर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा नोटिस uh, हो गया सर्कुलर हो गया जिसके थ्रू आप कोई भी अपार्टमेंट प्लॉट या बिल्डिंग तीन नाम बोले सर प्लॉट अपार्टमेंट या बिल्डिंग किसी को सेल कर रहे हो या कि कोई फेसिलिटेट कर रहे हो सेल को तो उसको हम क्या कहेंगे उसको एडवर्टाइजमेंट कहेंगे ये चार्ट से पढ़ लो एडवर्टाइजमेंट मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज एडवर्टाइजमेंट थ्रू एनी मीडियम इन्फॉर्मिंग अ पर्सन अबाउट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या तो आप इनफॉर्म कर रहे हो उसको सेल के लिए ऑफर कर रहे हो या फिर इन्वाइट कर रहे हो उसको परचेज करने के लिए या फिर आप उससे एडवांस मंगवा रहे हो एंड दिस इंक्लूड्स एनी नोटिस सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट्स पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म यह सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड होगी ये हो गया सर एडवर्टाइजमेंट में एग्जाम्पल इन्होंने बोला अगर मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा किसी को तो क्या वो व्हाट्सएप मैसेज एडवर्टाइजमेंट काउंट होगा हाँ सर एज लॉन्ग एस दैट मैसेज सॉलिसिटिंग सेल्स किसी को आप इन्फॉर्म कर रहे हो किसी से आप सेल्स किसी से आप एडवांस मंगवा रहे हो या किसी सेल्स फेसिलिटेट करवा रहे हो तो वो आपका क्या कहा जाएगा वो आपका

लेकिन अगर किसी को रेंट में दिया क्या वो Uh, क्या वो अलॉटी कहलाएगा नहीं सर अगर रेंट पे दिया है तो वो अलॉटी नहीं कहलाएगा अपार्टमेंट का डेफिनेशन बहुत वाइड है सर आपको इतना समझना है अपार्टमेंट में रेसिडेंशियल भी आती है कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट रिलेवेंट कारपेट एरिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रेरा रह कारपेट एरिया मतलब क्या सर आप, आपको वो इमेज याद होगा जो मैं क्लास में दिखाया था अंदर का जितना भी येलो एरिया है वो ले लो और उसके साथ साथ इंटरनल वॉल्स भी इंक्लूड कर लो मतलब नेट यूजेबल फ्लोर एरिया इंक्लूडिंग दी इंटरनल वॉल्स का एरिया एक्सटर्नल वॉल्स मत लेना नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एनी अपार्टमेंट एक्सक्लूड including the area covered by external wall area under service shaft exclusive balcony or veranda or exclusive open terrace area and includes the area of the internal partition of the wall so no तो सिंपल सी बात ये है सर कारपेट एरिया में नेट फ्लोर यूजेबल फ्लोर एरिया होता है तो जितना भी एरिया आपका यूजेबल है उसमें इंटरनल वॉल्स इंक्लूड कर लो एक्सटर्नल वॉल्स छोड़ देना एक चीज ध्यान रखने लायक है सर जो बात हमको लॉजिकली हजम नहीं होती है कि एक्सक्लूसिव बाल्कनी और वरांडा एरिया और एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया अगर खुद का ओपन टेरेस एरिया है ना उसको भी कारपेट एरिया में मत इंक्लूड करो उसको एज एन एडिशनल फैसिलिटी अलग से पेच लो लेकिन कारपेट एरिया में मत इंक्लूड करो अब सर जब कारपेट एरिया की बात आती है तो तीन और टर्म दो और टर्म आते हैं बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअअप एरिया कारपेट एरिया

कर सकता है क्या एक्सेस कर सकते हैं उसको हम कॉमन एरिया जैसे इलेक्ट्रीटी गैस वाटर मोटर फैन एक्सेट्रा कम्युनिटी एंड कमर्शियल फेसिलिटीज एंड अदर प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्टरी है वो एरिया कॉमन एरिया ओपन पार्किंग एरिया कॉमन एरिया हो गया सर बिल्कुल ओपन पार्किंग एरिया अगर

ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज वेन बिल्डिंगल मतलब उसमें जाके आप रह सकते हो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब क्या आपका सिर्फ बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है सर डेवलपमेंट वर्क्स मैंने आपको क्लास में बताया था दो तरह का डेवलपमेंट वर्क्स होता है एक तो इंटरनल डेवलपमेंट एक्सटर्नल डेवलपमेंट इंटरनल मतलब क्या सर जो आपके प्लानिंग एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहे हो एक्सटर्नल डेवलपमेंट मतलब क्या बाहर से अगर कहीं मोटर पाइप बाहर से अगर कहीं वाटर पाइप ला रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स ला रहे हो वो सारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो गए फैमिली क्या होता है सर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर फैमिली क्या होता है फैमिली के यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से फैमिली क्या होता है पहला हस्बैंड वाइफ हस्बैंड और वाइफ उनका माइनर सन बड़ा बेटा नहीं माइनर सन और अनमैरिड डॉटर अगर प्रोवाइडेड अनमैरिड डॉटर जो है वो होली डिपेंडेंट ऑन दी पर्सन है मतलब सर अगर मेरी बात करूं तो मेरी फैमिली क्या हुई मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड नहीं 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 सॉरी 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 मेरी मेरी वाइफ और मैं और मेरे मेरा माइनर सन जो है और अगर अनमैरिड डॉटर है तो वो अनमैरिड डॉटर मेरी फैमिली में तभी आएगी अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट है अगर उसकी खुद की जॉब है अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो वो मेरे फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगी गराज मतलब क्या होता है सर गराज इज अ प्लेस विद इन अ प्रोजेक्ट हैविंग अ रूफ एंड वॉल ऑन द थ्री साइड ऑफ फॉर पार्किंग एनी व्हीकल्स ऊपर रूफ है और साइड में तीन तरीके तरफ से ढका हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड एंड अनकलोड और अनकवर्ड पार्किंग एरिया सच इज ओपन पार्किंग एरिया गराज में ओपन पार्किंग एरिया नहीं आता है सर इनमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप जो भी ले लो उसमें क्या आता है लैंड बिल्डिंग राइट्स ऑफ वेस्ट राइट्स और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट द लैंड आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टेम्पल स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रास सर इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंटरनल डेवलपमेंट तो मैं बिल्कुल भी, भी नहीं छूंगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मतलब सर वो बिल्डिंग जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आपने प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, सर वाटर सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा करवा दी है तो आपको क्या मिल जाएगा सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था नोएडा के पास गुड़गांव के पास ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई है इंटरनल पूरा काम हो गया लेकिन वहां इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है या फिर वाटर की फैसिलिटी नहीं है कैसे रहोगे उसके बिना तो इसलिए सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग होता है ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट अलग होता है सर आपको पोजिशन कब मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पार? ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद सर, ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिलता किस है किसको प्रमोटर को किया अलॉटिंग

who constructs सन कंस्ट्रक्ट कॉजेस टू और इन इंडिपेंडेंट फलाना मतलब वो कंस्ट्रक्ट करता है या फिर वो डेवलप करता है लैंड इन टू अ प्रोजेक्ट मतलब सर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया लेकिन लैंड को सेल कर रहे होना हो ना बनाया हो वो क्या आपका माना जाएगा उसको प्रोमोटर माना जाएगा कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है एपेक् स्टेट लेवल कॉपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी एंड प्राइमरी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी एक्ट एज हिमसेल्फ एज अ बिल्डर कॉलोनाइजर कॉन्ट्रक्टर डेवलपर रियल स्टेट बाई एनी अदर नेम और होल्डर ऑफ पॉवर ऑफ अटोर्नी फॉर द ओनर ऑफ द लैंड सर अगर कोई ओनर ऑफ द लैंड

कुछ भी बुला लो ठीक है सर उतने ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे अब आ जाते हैं सेक्शन थ्री पे सेक्शन थ्री क्या कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अभी हम शुरू कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन थ्री से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है अगर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो प्रमोटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जाकर के रजिस्टर करवाओ रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है कितना पीरियड तक वैलिड रहेगा और कब आपका रिवोक हो सकता है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर आप रजिस्टर करवाए बिना आप अपने आप, आप कोई भी प्लॉट अपार्टमेंट या बिल्डिंग को सेल नहीं कर सकते आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अब सर रजिस्टर किसको किसको करवाना

वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लगेंगे जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है मतलब सर देखो जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्ट तो लगेगा लेकिन जिस दिन ये एक्ट आया 2016 में उस दिन के पहले जो प्रोजेक्ट्स चालू थे अगर उनको मिल गया है, तो भी नहीं लगेगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो क्या एप्लीकेबल ये ये हो जाएंगे सर कुछ लोगों को एग्जेमशन मिला है एरिया ऑफ द लैंड प्रपोज टू बी डेवलपल डज नॉट एक्सीडी फाइव स्क्वायर

या फिर उस आठ अपार्टमेंट से ज्यादा है तो ही आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा वरना आपको नहीं करवाना पड़ेगा तो सर आपके एग्जाम में आता है डज नॉट एक्सीड 500 मतलब अगर 500 है तो करवाना पड़ेगा 500 है तो नहीं करवाना पड़ेगा 500 से ज्यादा है तो करवाना पड़ेगा और आठ अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड एट एक अपार्टमेंट मतलब आठ अपार्टमेंट तक है तो नहीं करवाना पड़ेगा आठ से ज्यादा है तो करवाना पड़ेगा और सर ये जो प्रोवाइजो है ना प्रोवाइड दैट अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट का गवर्नमेंट चाहे कि ये पांच स्क्वायर मीटर और जो आठ अपार्टमेंट है इसकी लिमिट बहुत ज्यादा लगे

सर्टिफिकेट नहीं मिला है या फिर जो शुरू होना चाहते हैं लेकिन तीन एक्सेप्शन तो भी फॉर्म मैनर प्रिस्क्राइब है ना उस हिसाब से जाके तुम कर लो। लेकिन हम तुमको यह बताएंगे रजिस्ट्रेशन के साथ तुमको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं सर, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में तो हमको फर्क नहीं पड़ता इसीलिए हम क्या करेंगे हम याद नहीं करेंगे हम रीड करेंगे कौन कौन से लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं मान लो सर डीएलएफ को एक प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना है तो उसको देना पड़ेगा अब्रीफ डिटेल ऑफ इस एंटरप्राइज कि वो एंटरप्राइज कौन है कब से बिजनेस में है पिछले पांच साल में उन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है लॉन्च और उसमें से कितने खत्म हो गए और कितने अभी ओवर चल रहे हैं एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द अप्रूवल एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्लीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सर फोर्थ आपको सैक्शन प्लान लेआउट प्लान और जो भी स्पेसिफिक

प्रोफॉर्मा मतलब एक ड्राफ्ट फॉर्मेट जो बाद में आप साइन करवाने वाले उसका एक प्रोफॉर्मा दे दो ताकि हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें द नंबर टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स ऑफ दी सेल मैंने तुमको महाराष्ट्र का वेबसाइट में दिखाया था कि तुम लोगों को क्या क्या डिटेल्स दिखती है और क्या क्या देनी पड़ती है जिससे आपको याद हो जाना चाहिए एरिया ऑफ दी गराज रियल एस्टेट एजेंट के बारे में डिटेल हो इतनी लंबी लिस्ट आती है रियल एस्टेट एजेंट की एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ने कॉन्ट्रेक्टर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर इफ एनी ऑफ द अदर पर्सन कंसर्न ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी सर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है नेक्स्ट आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा भाई डीएलएफ भाई अगर तू जा रहा है ना रजिस्ट्रेशन करवाने तो तुमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने एफिडेविट के अंडर जो आपके प्रमोटर साइन करेंगे जिसमें क्या लिखा होगा कि भैया जो लैंड है ना उसका लीगल टाइटल मेरे पास है जो लैंड जिसपे डेवलपमेंट हो रहा है उसका लीगल टाइटल मेरे पास है और जो लैंड है ना वो फ्री ऑफ ऑल

कि भैया जितना भी पैसा हमको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के थ्रू एडवांस में या वो सब आएंगे ना उसमें सेवेंटी परसेंट का जो पैसा है ना उसको हम एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में खोल करके रख देंगे और उस पैसे को तभी निकालेंगे बेसिस द कंप्लीशन ऑफ आर प्रोजेक्ट जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम पैसे विड्रॉ करेंगे अब सर पता कैसे चलेगा प्रोजेक्ट कितना खत्म हो रहा है वो तो बोलेगा बीस हो गया और बीस पैसे निकाल लेगा तो लोने बोला ऐसे कैसे निकाल लेगा पैसे निकालने के पहले तुमको आर्किटेक्चर इंजीनियर और चार्ट अकाउंटेंट का क्यूमुलेटिव अप्रूवल लगता है मतलब आर्किटेक्ट क्चर भी हाँ बोलेगा, इंजीनियर भी हाँ बोलेगा और चार्टेड अकाउंटेंट भी हाँ बोलेगा तब जाके तुम्हारे पैसे विड्रॉ होंगे और हमारे पीयूष भाई कहते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट की वैल्यू नहीं है बताओ मजाक कर रहा हूं सुना प्रपोर्शन टू कंप्लीशन नाउ इट इज प्रोवाइड तो आपको क्या होगा जितना पैसा आपका कंप्लीशन हो गया उस हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हो और जितना प्रपोर्शन है वो कौन बताएगा आर्किटेक्चर इंजीनियर और सीए बताएंगे वो तीनों मिलकर के बताएंगे फिर जाके आप पैसे विद्रॉ कर सकते हो यहां तक नहीं सर बाद में भी ये इंश्योर करना है कि आपने पैसे उतने ही विद्रॉ किए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे एक ऑडिट करवाएंगे जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना उसके छह महीने के अंदर अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा जिसमें वो ये देखेगा कि जो भी पैसे निकाले गए हैं वो कंप्लीशन के हिसाब से निकाले गए हैं और बिजनेस के वो प्रोजेक्ट के लिए ही यूटिलाइज की गई है सर ये क्यों डिक्लेरेशन इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों है क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है रियल एस्टेट वाले पैसे लेते हैं और कहीं और लगा देते हैं अगर पैसे कहीं और नहीं लगाओगे ना तो समय पर प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा इसलिए लॉ ने बहुत स्ट्रिक्ट लाया कि सेवेंटी परसेंट तुमको कहां रखना पड़ेगा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा और सर उसके अलावा अथॉरिटी ने बोला कि तुमको ना एक अथॉरिटी को काम दिया इन्होंने कि तुमको एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे प्रोजेक्ट सारे रजिस्टर होंगे और सारी डिटेल्स एक ही जगह पे दिखेंगे तो ये क्या था सर सेक्शन फोर जहां पे क्या लिखा हुआ था कि आपको कैसे एप्लीकेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रोमोटर्स का खुद का डिक्लेरेशन जिसमें उनको बताना पड़ता है कब तक हम प्रोजेक्ट खत्म करेंगे और हम सत्तर पैसे जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे जब आप सेक्शन फोर के अंडर एप्लीकेशन दे देते हो ना तो सेक्शन फाइव के अंदर आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है

उसके बाद तुम एक लॉगिन आई पासवर्ड दे दो जो तुम्हारे वेबसाइट का होगा और जैसे ही तुम लॉग इन पासवर्ड दे दोगे ना तो थर्ड थिंग वो जो प्रमोटर है ना उसको जाकर एक वेब पेज बनाना पड़ेगा जहां वो अपने प्रोजेक्ट्स का सारा डिटेल डालेगा ये कब होगा सर जब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है तीन चीजें होंगी सर क्या क्या होंगी पहला क्या होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा दूसरा लॉग इन पासवर्ड मिलेगा तीसरा आपको जाकर के अपना वेब पेज बनाना पड़ेगा और अगर आपको नहीं देना है ना रजिस्ट्रेशन तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे आपको रीजन बताएंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देंगे लेकिन जो भी करना है तीस दिन के अंदर करना अगर तीस दिन के रिजेक्ट या ग्रांट नहीं कराना तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा अब डीम्ड रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम क्या होगी सर रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से आएगा तो लॉ ने बोला जिस दिन डीम्ड रजिस्ट्रेशन तीस दिन खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी तुम्हारा काम है रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना लॉग इन आई पासवर्ड दे देना और सामने वाले को बोल देना वेब पेज क्रिएट कर ले सर ये जो रजिस्ट्रेशन मिली इसकी वैलिडिटी कब तक होगी मतलब आज रजिस्टर 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 लाइफ टाइम वैलिड है नहीं सर आप प्रोजेक्ट 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 करवा रहे हो ना करवाओगे तो वो प्रोजेक्ट की वैलिडिटी उतने ही समय रहेगी जितना आपने सेक्शन फोर में डिक्लेरेशन में बताया था कि ये प्रोजेक्ट कितने साल में खत्म हो जाएगा अगर आपने बताया था प्रोजेक्ट तीन साल में खत्म हो जाएगा तो ये इसकी वैलिडिटी भी उतने ही समय की रहेगी तो आपको यू विल बी बाउंड टू प्रोजेक्ट विदिन सच टाइम लाइन एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर ऑब्वियसली हर किसी को ये लगता है क्योंकि प्रोजेक्ट कभी समय पे तो होता नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाओगे सर उन्होंने बोला प्रमोटर के पास सॉरी अथॉरिटी के पास अब सर जब अथॉरिटी के पास जा रहे हो ना तो दो केस हो सकता है या तो फोर्स मेजर इवेंट हो सकता है या फिर नॉर्मल केस हो सकता है फोर्स मेजर इवेंट मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ जैसे कि वॉर फ्लड कोई ऐसा गॉड नेचुरल कैलामिटीज हुई गॉड ड्रिवेन एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से आप नाम मैनेज नहीं कर पाए जैसे कि कोविड को इन्होंने फोर्स मेजर इवेंट डिक्लेयर किया था तो फोर्स मेजर इवेंट अगर हुआ है ना तो क्या होगा भैया आपका जो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा कौन देगा अथॉरिटी देगा जैसा उसको ठीक लगे लेकिन अगर उसके अलावा कोई और रीजन है ना तब भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो अगर अथॉरिटी सटिस्फाइड है कि रीजनेबल सर्कमस्टेंस था जिसकी वजह से क्या मिलना चाहिए आपको क्या मिलना चाहिए रीजनेबल सर्कमस्टांस की वजह से एक्सटेंशन मिलना चाहिए तो अथॉरिटी क्या करेगा आपको एक्सटेंशन दे देगा लेकिन सर मैक्सिमम एक साल तक का एक्सटेंशन दे सकता है इन्होंने लॉ में एक साल लिख दिया लिखने को लेकिन कोई एक साल में काम नहीं होता है पांच पांच छह छह साल तक प्रोजेक्ट चलते रहते हैं प्रोमोटेड टू बी हर्ड बिफोर रिजेक्शन अगर आप एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हो रिजेक्ट करना चाहते हो एक्सटेंशन का एप्लीकेशन

झोले मेरे को रजिस्ट्रेशन रिवो, रिवोक करने का है या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या-क्या रेकमेंड किया तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा अगर वो सैटिस्फाइड है कि ये चार में से कोई चीजें हो रही है कौन सी चार चीजें हो रही है सर पहला द प्रोमोटर मेक्स डिफॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग

Examples है ना ये नीचे एक और बार रिपीट होगा रियल के केस में लेकिन ये points क्या है सर? ये क्या सर कहता है अगर आपने कोई अगर आपने किसी तरह का झूठा तो दिखाने की कोशिश की अपने अपार्टमेंट को जैसा कभी होने ही नहीं वाला है तो आप क्या कर रहे हो अनफेयर प्रैक्टिस यागुलरिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो तो उससे आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है एंड द प्रमोटर आप फ्रॉड कर रहे हो तो आपका तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है चार केस में हो सकता है पहले दो पहला आपको कुछ करना चाहिए था आपने नहीं किया दूसरा आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन उल्लंघन किया तीसरा अगर आपने कोई अनफेयर प्रैक्टिस या इरेगुलरिटीज किया या फिर आपने फ्रॉड किया अनफेयर मतलब क्या होता है सर ये एग्जाम्पल पढ़ो अनफेयर विच फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स और डेवलपमेंट अडॉप्ट एनी अनफेयर मेथड क्या अनफेयर मेथड हो सकता है सर आपने कोई ऐसा आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट किया वेदर इन राइटिंग और विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच फॉल्सली रिप्रेजेंट सर्विस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अगर आप बोल रहे हो भैया हमारा ना सर्विस ये लेवल का है, वो लेवल का है, लेकिन है ही नहीं आप जबरदस्ती बोल रहे हो तो क्या होगा आपका आपका अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगा दूसरा अगर आप आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपका अप्रूवल है या अफिलियन है किसी और के साथ जिसका नहीं है अगर आप अपने प्रोजेक्ट को जबरदस्ती गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो बताने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो तो भैया आपका अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा और सर जब आप अनफेयर प्रैक्टिस मान लिया जाएगा तो आपका लाइसेंस क्या हो रहा है यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं रिवोक हो रहा है लाइसेंस रिवोक हो रहा है तो क्या होगा सर आपको रिवोक करने के पहले एक नोटिस देना पड़ेगा प्रमोटर को कि प्रमोटर प्रमोटर तेरा तो लाइसेंस गय और जो प्रमोटर को लाइसेंस जब आप नोटिस दोगे ना तो उसको कम से कम तीस दिन का समय दोगे वापस करने के, वापस रिवर्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है तो अगर आप किसी को कैंसिल कर रहे हो ना उसके पहले एक और कोशिश करो कि भैया कैंसिल करने की जगह एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन लगा दू तो क्या कैंसिलेशन से बच जाएंगे क्योंकि कैंसिलेशन से सबसे ज्यादा हार्म किसको होता है, पता है? तो लॉ ने बोला कि भैया कैंसिल कर लो करना है तो लेकिन कैंसिल करने के पहले ये देख लो कोई एडिशनल फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा कि काम चल सकता है क्या अब सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका रिवोक हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो उससे क्या होगा सबसे पहला तो सर जो प्रमोटर है ना उसको वो वेबसाइट का एक्सेस करने मत देना नहीं तो वो जबरदस्ती वहां पर छेड़खानी करेगा तो डी बार प्रमोटर फ्रॉम एक्सेसिंग द वेबसाइट दूसरा डेवलपमेंट वर्क टू बी कैरिड इन अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो सर अथॉरिटी का, का काम क्या होगा पता है अथॉरिटी जो है ना वो देखेगी कि भैया जो प्रोजेक्ट आधा कंस्ट्रक्ट हो रखा था ना उसको खत्म करना है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखेगी और तीसरा सर जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर देना क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त पैसे पूरे वहीं पड़े तो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना और जब तुम डेवलपमेंट का काम वापस खुद से शुरू करोगे ना अथॉरिटी तब तुम उसको अनफ्रीज कर लेना लेकिन एक बार के लिए तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो और फोर्थ अथॉरिटी जो है ना अलॉटी के इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे सर ये रहा स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहां पे कॉन्सिक्वेंस मस्त ऐसा डिटेल में मिल जाएंगे सबसे पहला तो प्रमोटर को एक्सेस मत देना दूसरा प्रमोटर को डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ और डिफॉल्टर में इंक्लूड कर देना और डिस्प्ले कर देना उसका फोटोग्राफ उसके वेबसाइट पे आप किसके वेबसाइट पे सर किसके वेबसाइट पे जो वेबसाइट उसने बना रखा है वेब पेज और अपने वेबसाइट पे भी और उसके बाद सर जो रेरा रह है वो सारे स्टेट के अथॉरिटीज को बताएगा हमने उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया है सर ऊपर के तीन पॉइंट को ही, इन्होंने देखो यहां पे कितना बढ़िया स्प्लिट कर दिया है अगर एग्जाम में आ जाता है ना व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस तो आप ये पॉइंट लिख करके आओगे उसके बाद क्या लिखा है, सर, अब सर, जब आपका हो गया है या रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मतलब कौन सी अथॉरिटी सर जो रेरा अथॉरिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुनो मैं सिंपल बताता हूँ जो जब कोई प्रोजेक्ट किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ना तो बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट

कंसल्ट दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या रेरा अगर आप रेरा महाराष्ट्र की बात कर रहे हो तो महारेरा किससे बात करेगा उद्धव ठाकरे जी की टीम से बात करेगा एस टू द एक्शन दैट मे भी टेकन फिट डीम फिट इंक्लूडिंग कैरिंग आउट ऑफ द रिनिंग डेवलपमेंट वर्स बाई दिटेंटेंट अथॉरिटी और बाई द एसोसिएशन ऑफ लॉटिस इन एनी अदर मैनर एस मे बी डिटरमाइंड इट इज प्रोवाइडेड दै नो डेक्शन ऑफ दो डरेक्शन ऑफ दी अथॉरिटी शेल बिकेबल बिफोर इफ दर इफ द पीरियड ऑफ अपील हैज नॉट एक्सपायर्ड मतलब सर सुनो आप जब कोई ऑर्डर पास कर रहे हो ना अगर आपने किसी का रिवोक कर दिया लाइसेंस डी एफ डीएलएफ का लाइसेंस रिवो कर दिया रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया तो ऐसा नहीं कि अगले दिन से तुम खुद काम करना शुरू कर दिए नहीं तुम उसको समय उतना छोड़ दो जितना उसके पास अपील करने के लिए समय अगर वो अपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं कि भैया मेरे को अपील करने का है तो उसको जाने दो लेकिन तुम मत उंगली करो जब अपील का पीरियड खत्म हो जाएगा ना तब तुम कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर लेना लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर इस केस में जो एसोसिएशन ऑफ होती है उनको राइट ऑफ फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलता है जो मैंने आपको बताया था मेरे छोटे भाई को भी घर में मिलता है फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलता है उसको उसके बाद क्या सर रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट रियल एस्टेट एजेंट को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाना होता है रियल एस्टेट एजेंट को कौन रजिस्टर करवाएगा सर प्रमोटर कैसा लगा मेरा मजाक सुनो रियल स्टेट एजेंट को कौन रजिस्टर करवाएगा सर रियल स्टेट एजेंट को खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा जो भी स्टेट में है है वो होल स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता है। कहां रजिस्टर करवाएगा सर उसको कोई भी सेल या मेंचेज फेसिलिटेट करने के पहले वो रजिस्टर करवाएगा और याद रखना एक बार रजिस्टर भी करवा लोगे ना उसके बाद आप सिर्फ रजिस्टर्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट में डील करोगे कोई भी अनरजिस्टर्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट में नहीं डील करोगे आप एप्लीकेशन किसको दोगे सर आप एप्लीकेशन दोगे अथॉरिटी को जो भी फॉर्म मैनर प्रेसक्राइब है वापस से सेम प्रोविजन अथॉरिटी को तीस दिन का सर यहां पे तीस दिन का टाइम नहीं लिखा है इन्होंने क्योंकि इन्होंने स्टेट के रूल्स पे छोड़ दिया कि भैया स्टेट तुम्हारा जो भी रूल्स हो उतने समय के अंदर तुम रजिस्ट्रेशन दे देना या रिजेक्ट कर देना अगर उतने समय के अंदर नहीं दिया या रिजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा सर तो आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा और सर अथॉरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद एक रियल एजेंट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और जब भी कोई रियल स्टेट एजेंट एक सेल कर रहे हैं तो उसको वो सेल में अपना रियल स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा वैलिडिटी क्या होगी सर वैलिडिटी जो भी उस पर लिखी होगी और उसके बाद उसको रिन्यूअल भी करवा सकता है ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाई रियल स्टेट एजेंट अगर अगर आपने कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन लिया था जिसके बेसिस पे कोई कंडीशन लगाई लगाए गए थे आप पे या फिर आपसे आपसे जो एप्लीकेशन मंगवाया गया था ना उसमें अगर आपने कुछ गलत किया तो भैया क्या होगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो सकता है रिवोकेशन हो सकता है या फिर सस्पेंशन भी हो सकता है कुछ समय के लिए कि भैया आपका रजिस्टर रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंडेड है फंक्शंस ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट एक रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होगा सर ये इंपॉर्टेंट है ये एक बार केस स्टडी में दिखा है एग्जाम वाले नहीं लेकिन प्रैक्टिस वाले द इवन द रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नाइन शैल क्या करेंगे सर पहला वो किसी भी तरीके का फैसिलिटेट नहीं करेंगे सेल्स या परचेज ऑफ एनी प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग जब तक वो खुद और जो प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते दोनों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा दूसरा उनको एक बैंक ऑफ अकाउंट बैंक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा तीसरा दे विल नॉट इन्वॉल्व हमसेल्फ एन अनफेयर ट्रेड ये वही पॉइंट है सर जो ऊपर हमने रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए पढ़ा था कि आप किसी भी तरह का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे कि भैया मेरा मोदी के साथ कनेक्शन है या मैं इस लेवल का सर्विस दूंगा छत पे स्विमिंग पूल इस तरह का कोई भी ये नहीं करोगे और फोर्थ आपके पास ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजेंट कि जो आपके थ्रू अलॉट आया है ना उसको आप सारे इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो भी आपको लगता है उसको लेने चाहिए वो आप उसको अवेलेबल करवाओगे और फिफ्थ यू विल डिस्चार्ज सच अदर नेसेसरी फंक्शन बी नीडेड

गराज, गराज, गराज पंजाबी स्टाइल में बोल रहा हूं गराज जो है, वो भी उसको डिटेल डालने पड़ेंगे कितने हैं कितने बुक हो गए हैं और उसके अलावा लिस्ट ऑफ अप्रूवल टेकन और अप्रूवल विच इज बिंग सब्सिक सर्टिफिकेट विचार पेंडिंग अप्रूवल कितना ले लिया है कितना बचा है और अप टू डेट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट आपको डालना पड़ेगा सच अदर इन्फॉर्मेशन सर मतलब आपको ये याद रखना है सेक्शन टेन में ये लिखा हुआ है कि जो पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो है वो चढ़ाने पड़ते हैं कहां पे जब आप जाते हो वेब पेज पर पे, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी ऑन एवरी एडवर्टाइजमेंट जहां भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी भी न्यूज में किसी भी व्हाट्सएप में आपको अपने वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट में आप पक्का सही डिटेल डाल रहे हो तो कम से कम जो लोग हैं वो वहां जाकर के सही डिटेल देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर अलॉटी अलॉटी को क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा सर किसके साथ शेयर करना पड़ेगा Uh, अलॉटी के साथ किसको शेयर करना पड़ेगा प्रमोटर को शेयर करना पड़ेगा क्या क्या चीजें पहला तो जो भी उसका सैंक्शन प्लान है लेआउट प्लान है या स्पेसिफिकेशन है जो अप्रूव हो चुका है दूसरा द स्टेज वाइज शेड्यूल टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कि भैया कब कब जो है हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता जाएगा ताकि जो अलॉटी है ना उसको भी आइडिया रहे चीजें कैसे खत्म हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर ऊपर क्या थी सर ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन यही चलने वाले है प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पहला बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑब्लिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर द्रीमेंट ऑफ सेल एसोसिएशन ऑफ द अलॉटीज फॉर दवेंस ऑफ दपार्टमेंट मतलब सर जो भी अग्रीमेंट फॉर सेल बनाए उसमें जो लिखा हुआ ऑब्लीकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंशन है इस एक्ट के हिसाब से या अग्रीमेंट के हिसाब से उन सबके कौन लाइबल होगा प्रमोटर कहने का मतलब क्या है सर ये लोग ना इल्जाम थोक रहे हैं प्रमोटर पर और फिर बोल रहे हैं प्रमोटर पर कौन कौन आता है सब आ जाते हैं ताकि वो लोग सब रिस्पॉसिबल हो और ब्लेम एक दूसरे पे ना 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 डाल पाए दूसरा सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट It is provided that the responsibility of the promoter with respect to structural defect और एनी अदर डिफेक्ट एज रिफर्ड टू इन सेक्शन दिस शेल इवन आफ्टर दी कन्वेंस डीड ऑफ एलोटीज़ आर एक्सिक्यूटेड मतलब सर सुनो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है प्रमोटर की भैया जब तक तुम अपार्टमेंट हैंडओवर नहीं कर देते ना तब तक का जो भी खर्चा आ रहा है मेंटेनेंस आ रहा है जो भी चीज है वो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है लेकिन एक बार हैंड कर दिया है ना उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी अगर होता है ना तो वो किसी रिस्पॉसिबिलिटी है प्रोमोटर लेकिन एज पर सेक्शन 14 जहां पर 5 साल का टाइम लिमिट दिया हुआ है सर दूसरा आपकी रिस्पॉसिबिलिटी होगी कि आप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्युपेंसीफिकेट ऑफ

स पड़ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ सर प्रमोटर्स की खो मत जाना प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वाइड है सर उनसे सारा काम करवाया गया है वो क्या करेंगे सर प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी कि वो अलॉटिस को प्रमोट करेंगे कि भैया तुमने एक एसोसिएशन फॉर्म करो और वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज फॉर्म होने के बाद आप उनको कॉमन एरिया हैंड ओवर कर दोगे और सर आपको अलॉट अगर आपका कोई लॉ नहीं है ना तो जिस दिन जिस दिन मेजोरिटी ऑफ द अपार्टमेंट बुक हो जाता है ना उसके तीन महीने के अंदर अंदर आपको एक एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म कर लेनी चाहिए क्या लिखा है सर विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ हैविंग बुक देर प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग जब बुक कर लिया उसके तीन महीने के अंदर अंदर एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म करवा दो एक रजिस्टर्ड डीड और कन्वेंस डीट सिस पोजिशन करना है उस हिसाब से रजिस्टर्ड कन्वेन्स डीड बनवा लो पे ऑल द आउटकोइंग्स अंटिल ट्रांसफर द फिजिकल कन्वेंस जो भी सर आपका

द प्रमोटर में कैंसिल द अलॉटमेंट ओनली इन द टर्म्स ऑफ दग्रीमेंट ऑफ द सेल सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने थ्री पी के आज के डेट पे एक करोड़ रुपए बेचा था दो साल बाद वो वैल्यू उसकी दो करोड़ हो गई तो मैं जिसको मैंने अलॉट किया था मैंने उसको मना कर दिया नहीं भैया जो तुमने अग्रीमेंट ऑफ सेल किया है उसके हिसाब से ही अगर कोई टर्म्स बनते हैं तो प्रमोटर आप कैंसिल कर सकते हो वन अ प्रमोटर यू विल हैव टू फुलफिल योर कमिटमेंट अगर आपको लगता है नहीं भैया कुछ गलत हो रहा है तो प्रमोटर आप भी अथॉरिटी के पास अप, अप, अप्रोच कर सकते हो और सर आपको सच अदर डिटेल्स एज में भी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा सर ये सारी चीज़ें क्या है सर ये प्रमोटर्स की रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम प्रमोटर्स की फंक्शन है एग्जाम में रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको एक बार मेरी बात से सुन लो जो भी याद आ रहा है और उसके बाद अपन एग्जाम में देख लेंगे आपको बार 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 इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना पता होना चाहिए सेक्शन इलेवन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है सर ये वाले सेक्शन बहुत ईजी है ऑब्बलीकेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और प्रस्पेक्टर्स

ठीक सुनो नो डिपोजिट और एडवांस टू बी टेकन बाई दर विदाउट फर्स्ट एंट्रिंग इन टू एन अग्रीमेंट फॉर सेल सर इन्होंने बोला कि भैया तुम ना एडवांस ले रहे हो ना तो सबसे पहली चीज तो एडवांस किसी भी हालत में कितनी भी कितने परसेंट दस परसेंट ऑफ दी कॉस्ट ऑफ ज़्यादा नहीं हो सकती और उतना भी जब आपको एडवांस लेना है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर सवाल इंटू एन अग्रीमेंट कैन प्रमोटर टेक एन एडवांस ऑफ फाइव परसेंट विदाउट इंटू एन अग्रीमेंट फॉर सेल नो सर आपको एडवांस लेने के लिए अग्रीमेंट फॉर सेल पे एंटर करना ही पड़ेगा एक बार एंटर कर लिया, उसके बाद तो शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट ले लो पर्टिकुलर्स ऑफ द अग्रीमेंट फॉर सेल आप जब अग्रीमेंट ऑफ सेल बना रहे हो सर उसमें आप क्या क्या चीजें बताओगे तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और अपार्टमेंट की क्या स्पेसिफिकेशन है डेवलपमेंट वर्क के बारे में शेड्यूल डेट्स जो है कब कंप्लीट होगा पेमेंट कब कब करना है सामने वाले को और किस दिन पोजिशन दिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर दोनों तरफ से कोई भी डिलेले हुआ ये सारी चीज आपको किसमें लिखनी पड़ेगी सर आपको अग्रीमेंट फॉर सेल में लिखनी पड़ेगी जो बहुत सारी बेसिक चीजें होती है ग्जाम्पल्स ठीक है सर बहुत बेसिक चीज है अडियरेंस टू द दैशन प्लान प्रोजेक्ट लेआउट और स्पेसिफिकेशन किसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर प्रमोटर को रिस्पांसिबिलिटी है कि जो भी सैक्शन प्लान है जो भी लेआउट है या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन है उस पर अडियर करें सर लोग क्या करते हैं बहुत सारे टू बी एच के थ्री बी एच के अपार्टमेंट कहते हैं कि मस्त ऐसा अपार्टमेंट देंगे वैसा अपार्टमेंट देंगे उसके बाद धीरे से वो फ्लोर फ्लोर हाइट कम कर देते हैं धीरे से विद्ध कम कर देते हैं कोई ऐसी ऐसी चीजें करते हैं तो लॉ कहते हैं नहीं भैया जो भी सैंशन प्लान है लेआउट प्लान है उसके हिसाब से तुम स्टिक करोगे डिस्कलोजर ऑफ अप्रूव प्लान टू द परचेजर आपका कोई भी अगर फ्लैट खरीद रहे हैं ना तो आप उसको पूरा जो भी सैंक्शन प्लान है उसको डिस्क्लोज करोगे जो आपसे फ्लैट खरीदना चाहता है एंड द प्रमोटर विल नॉट मेक सर आप किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन या एडिशन नहीं करोगे इस प्रोजेक्ट में जब तक आप उन पर्सन का अप्रूवल नहीं ले सकते और सर दो अप्रूवल लेने पड़ेंगे एक तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा और अगर मेजर ऑल्टरेशन है ना तो अलॉटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रोवाइडेड दैट द प्रोमोटर में मेरे पास यहाँ एक सेकेंड हाँ सर तो किसी भी तरह का एडिशन या आपको एडिशन या नहीं कर सकते लेकिन आपको कोई अगर एडिशन या जो माइनर है और अगर आपको अलॉटी ने खुद से बोला है कि भाई माइनर चेंज कर दे तो वो आप कर सकते हो या फिर अगर कोई माइनर चेंज है जो आपको इंजीनियर या यू you नो know, आर्किटेक्ट ने बोला है करना पड़ेगा माइनर चेंज तो वो माइनर चेंज आप कर सकते हो लेकिन आपको अलॉटी को प्रॉपर इंटीमेशन देना पड़ेगा लेकिन सर सुनो माइनर चेंज के नाम पे बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस मत कर लेना जैसे कि आपने कोई दीवार को बीम को किसी भी तरीके पार्टीशन को वॉल को कुछ भी खिसकाया है ये सब माइनर एडिशन या ऑल्ट्रेशन में नहीं आएगा सर माइनर एडिशन या ऑल्ट्रेशन मतलब थोड़े बहुत चेंजेस जैसे कि आपने चिमनी का हाइट बोला था इतना रखना थोड़ा बढ़ा देना वो चीजें चीजें ठीक है लेकिन ओवरऑल फ्लैट का स्ट्रक्चर मत चेंज करना उसको माइनर एडिशन या ऑल्ट्रेशन नहीं बोला जाएगा अब सर सुनो उसके अलावा कोई भी अगर ऑल्ट्रेशन आप करना चाहते हो ना तो एक चीज दो चीजें आपको करनी पड़ेगी पहला आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और दूसरा आपका जो सैक्शन प्लान है ना आपको ना अपने अलॉटीज के टू थर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपको अपने अलॉटिस का टू थर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी जाके आप चेंज कर सकते हो मतलब सर अगर बड़ी चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको दो चीजें करनी पड़ेगी पहला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जिसने आपका सैक्शन प्लान पहले अप्रूव कर रखा था और दूसरा आपको टू थर्ड ऑफ द अलॉटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा एक चीज ध्यान रखना अगर मैं एक बिल्डिंग में दस अपार्टमेंट होल्ड एक अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में दस अपार्टमेंट होल्ड करता हूं ना तो मेरे को एक अलॉटी माना जाएगा ना कि दस अलॉटी मतलब सर आप नंबर ऑफ पीपल काउंट करोगे जो अपार्टमेंट होल्ड करते हैं ना कि नंबर ऑफ मतलब क्या सर मैंने क्लास में आपको डिटेल में समझाया था कि अगर सौ लोग में अगर सौ लोग में एक ही जना है जो सौ अपार्टमेंट होल्ड करता है ना तो उसको एक अलॉटी माना जाएगा और अलॉटी के नंबर ऑफ अलॉटीज पे डिपेंड करता है टू थर्ड ऑफ अलॉटी कितना होगा उसके बाद क्या है सर ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टू रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन सर अगर अगर किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल या अदर डिफेक्ट होता है वर्कमैनशिप में क्वालिटी में या फिर सर्विस में कहां, जब आप अपार्टमेंट हैंड ओवर कर देते हो उसके बाद अगर पांच साल तक अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है ना तो आप प्रमोटर को इंटीमेट करोगे और प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक रुपए लिए बिना तीस दिन के अंदर अंदर आपको आपका काम करके देगा मतलब क्या सर अगर आपका वो आपका फ्लैश नहीं चल रहा है

सर तो मेजर एडिशन मत करना अगर कोई भी मेजर एडिशन करना चाहते हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और टू थर्ड ऑफ दॉलॉटी का अप्रूवल ले लेना उसके अलावा माइनर एडिशन ऑल्ट्रेशन जो है अगर ओलॉटी ने बोला है तो कर लो नहीं तो उसको इंटीमेट करके कर लो माइनर एडिशन के ना आड़े पे आप क्या ट्रांसफर मत करना बड़ी बड़ी चीजें या चीजें मत हिला देना और सर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन पांच साल के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रिपेयर हो जाना चाहिए ऑप्लिकेशन ऑफ द प्रमोटर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी सर ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्रमोटर इन केस ऑफ ऑफर ट्रांसफर सर जब एक ट्रांसफर हो रहा है ना प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी को तो प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीजें जो है सुनो अगर

लेकिन एक चीज बहुत सिंपल है सर जब आप किसी को राइट ट्रांसफर करते हो या लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हो तो प्रमोटर तो हर जगह जहां पर रिस्पॉन्सिबल था ना वहां पर वो नया वाला जो लोढ़ा डेवलपर्स है जो इनकमिंग प्रमोटर है, है वो लाइबल हो जाएगा मतलब आज से चार साल बाद अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो मैं प्रमोटर के पास वैसे भी जा सकता था अब मैं लोढ़ा डेवलपर्स के पास भी जा सकता हूं मतलब द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओल्ड प्रमोटर विल बी इक्वल टू ऑब्लिगेशन ऑफ द न्यू प्रमोटर बट यू विल यू कैन डू द चेंजेस ओनली आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ दिटी एंड दूसरा

सेक्शन 16 क्या कहता है सर इंश्योरेंस ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का क्या सीन है सर इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा कि भैया जो प्रमोटर है उसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और इंश्योरेंस लेकर के जितनी भी बेनिफिट है इंश्योरेंस की जब वो पोजीशन दे रहा है तो वो ट्रांसफर कर देगा किसको अलॉटी को या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को लेकिन सर पूरा पैसा प्रीमियम कौन देगा इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरा इंश्योरेंस का आपका डेवलपर ही देगा प्रोमोटर ही देगा सर ये एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को क्या ट्रांसफर होते हैं सर मैंने आपको क्लास में बताया था जो स्पेसिफिक एरिया होता है जो मेरा अपार्टमेंट है वो अलॉटी को ट्रांसफर होगा जो कॉमन एरियाज है ना वो पूरा एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को ट्रांसफर हो जाएगा विद अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल टाइटल ट्रांसफर ऑफ टाइटल सर ट्रांसफर ऑफ टाइटल कैसे होगा आप एक प्रॉपर्टी अगर अपार्टमेंट है तो उसका कंस्ट्रक्शन करने के बाद टाइटल कैसे ट्रांसफर करोगे तो लॉ कहता है भैया तुमको ना एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड बनाना पड़ेगा उसके बेसिस पे जो भी प्लॉट अपार्टमेंट या बिल्डिंग है वो अलॉटी को ट्रांसफर कर दोगे और जो भी कॉमन एरियाज है ना वो या तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को ट्रांसफर करोगे या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर करोगे <laughs>

हैंड कमिंग बैक टू द टॉपिक प्रमोटर हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू दी अलॉटी सर कभी कभी क्या होता है ना अलॉटी को नहीं समझ होती है कि मेरे को इस समय पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रमोटर पे कि प्रमोटर तेरे को ना जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं देने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे को किसको देने पड़ेंगे किसको देने पड़ेंगे अलॉटी को देने पड़ेंगे

पोजीशन तीन महीने के अंदर कन्वीन डीट बना लो दो महीने के अंदर पोजीशन दे दो तीस दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अंदर आप क्या करो सारे डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन हैंडओवर कर दो रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पेंसेशन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पेंसेशन मतलब क्या जो भी

अपन सेट दी अलॉटी थोड़े ज़्यादा कलर्स हो गए, हाँ। द ट दी अलॉटी अब सर कॉम्पनसेशन में एक और भी चीज आती है कि भैया अगर आपका कल को जाकर के पता चला कि लैंड डिफेक्टिव निकला मतलब जिस जमीन डीएलएफ की प्रॉपर्टी बनी है उस पे कोई आकर के बोल रहा है अरे ये तो डीएलएफ की जमीन जमीन है है नहीं ये तो मेरी जमीन है। तो मेरी ऐसा कोई अगर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड निकला ना तो भैया जो प्रमोटर होगा ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपको कॉम्पनसेट करने के लिए एंड ही नॉट बी बार्ड बाई लिमिटेशन मतलब क्या सर सुनो अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकला ना तो पांच साल तक का लिमिटेशन है पांच साल के बाद आप जाकर के गला नहीं पकड़ सकते किसका प्रमोटर का लेकिन अगर लैंड

अब वो होम बायर के फेवर में बोल रहे हैं कि भैया तूने कुछ भी अगर गलत किया ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा अगर वो पैसे वापस मांग रहे हैं पूरे पैसे वापस कर दो इंटरेस्ट दे दो कॉम्पन्सेशन दे दो और अगर नहीं मांग रहा है ना तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट तो दे दो लेकिन अगर जो भी आपने डीले किया उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा यह समरी है सर क्या करना पड़ेगा अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको रिफंड इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन दे दो अगर विड्रॉ नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट पे कर दो सर, ये सुप्रीम कोर्ट का एक इधर डिफरेंट ये था आ, केस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसने बस बोला था कि अलोटी के पास क्या क्या ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन होते हैं एवेन्यूज होते हैं जब उसके प्रॉपर्टी उसको टाइम पे नहीं मिले या तो वो रिफंड मांग सकता है इंटरेस्ट ले सकता है कॉम्पेंसेशन मांग सकता है और अगर वो नहीं विड्रॉ करना चाहता वो इंटरेस्ट मांग सकता है फॉर एवरी मंथ ऑफ डीले इन हैंडिंग ओवर पोजिशन जब आपको पोजिशन नहीं मिला उसके बाद हर महीना जो डीले हो रहा है उसके लिए आप क्या मांग सकते हो कॉम्पनेशन मांग सकते हो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दी अलॉटिस टोटल ग्यारह पॉइंट है इसमें पांच राइट्स हैं और छह ड्यूटीज हैं किसकी सर अलॉटिस की मतलब जो फ्लैट खरीद रहा है मतलब जो होम बायर है उसके पहले तो पांच राइट्स हैं राइट्स मतलब क्या सर सबसे पहला उसको सैक्शन प्लान और लेआउट मिलेगा दूसरा उसको स्टेज वाइज कंप्लीशन सब्जेक्ट ये मिलेगा तीसरा उसको पोजिशन क्लेम करने का राइट मिलेगा जब भी वो डिक्लेरेशन दिया था ना नो उन्होंने कब तक खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट वो टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसको क्लेम करने का राइट मिलेगा वो रिफंड क्लेम कर सकता है अगर उतने समय में क्या नहीं मिला पोजिशन और वो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लेम कर सकता है ये किसका राइट है सर अलॉटिस का तो एक तरह से समझ लो जो इन्होंने प्रमोटर का ऑब्लिकेशन डाला है वो इन्होंने अलॉटी का राइट डाला है उसके अलावा प्रमो अलॉटीज के भी कुछ ड्यूटीज हैं कि भैया तेरे को जो पेमेंट करने बोला गया है जो शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करने बोला गया है उस शेड्यूल के हिसाब से तू क्या कर दे पेमेंट कर दे और अग्रीमेंट के सेल के हिसाब से और जो भी तेरे को रजिस्ट्रेशन चार्जेस शेयर करने म्यूंसिपल टैक्सेस वॉटर चार्जेस जो भी तुमको शेयर करने का है वो सारे चार्जेस तुम पे कर दो उसके अलावा ड्यूटी टू पे इंटरेस्ट अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो जो अग्रीमेंट ऑफ सेल के हिसाब से जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी तुमको पे करना पड़ेगा लेकिन सर इंटरेस्ट अमाउंट में इन्होंने एक अच्छा खेल लिखा है म्यूचुअल अग्रीमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट सर इन्होंने बोला कि अलॉटी अगर तूने डीले किया तो देखो अग्रीमेंट फॉर सेल के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेकिन अगर अलोर्टी और प्रोमोटर तुम दोनों साथ में मिलकर मान जाते हो ना तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वेव ऑफ कर दो राइट तो चलते हैं तुमको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है मतलब अगर मैंने डीएलएफ से अपार्टमेंट खरीदा था मेरे को उसको पैसे देने थे अगर पैसे देने में एक मैंने डीले कर दिया और मैं डीएलएफ को मेल लिखा कि भाई प्लीज माफ कर दे यार तो उसने माफ कर दिया तो ठीक है लेकिन सर ये जो ये जो पॉइंट है ना ये सिर्फ इन्होंने अलॉटी के लिए लिखा है अगर प्रमोटर को पैसे देने हैं अगर उसने मेल कर दिया और मैंने माफ कर दिया तो वो पॉइंट कवर नहीं है भले वो अलग चीज हो गई कि मैंने माफ कर दिया तो मेरे को लेना ही नहीं है लेकिन लॉ ने उसको कवर नहीं किया लेकिन अलॉटी के लिए लॉ ने कवर किया है कि भैया अगर तुम वो इंटरेस्ट का वेवर दे, दे देता है प्रमोटर तो कोई दिक्कत नहीं है ड्यूटी इन फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन अगर तुम एक अलॉटी हो तो ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम एक एसोसिएशन फॉर्म करो ड्यूटी टू तो टेक फिजिकल पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट सर लॉ कहता है जिस दिन ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट मिल गई ना प्रमोटर को उसके दो महीने के अंदर अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको पोजिशन लेना पड़ेगा सर इनको क्या जल्दी है पोजिशन की मेरे पैसे है मैं तो दिया हूं मैं तो ले लूंगा पोजिशन

ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वेंस डीड आपको कन्वेंस डीड के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्डर बुला रहा है बार बार बुला रहा है और आप भाव खा के बैठे हो नहीं सर आपको क्या करना पड़ेगा आपको ड्यूटी है आपको जाकर के बिल्डर का सपोर्ट करना पड़ेगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो जो इन्होंने इस एक्ट के अंडर फॉर्म किया है ये अथॉरिटी का काम क्या है सर ये अथॉरिटी सारे रियल एस्टेट रेगुलेटरी रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो सुनेंगे ये स्टेट वाइड होते हैं सर महाराष्ट्र का एक रेरा होता है कुछ स्टेट्स में दो रेरा भी होते हैं और कुछ दो स्टेट्स मिलाकर भी एक रेरा फॉर्म कर सकते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी जो भी उस स्टेट में गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक साल के अंदर अंदर जिस दिन ये एक्ट आया उसके एक साल के अंदर अंदर एक अथॉरिटी एटैब्लिश करेगी अब सर कुछ ना एक 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 कुछ स्टेट्स हो सकते हैं जो एक से ज्यादा अथॉरिटी रखे हैं जैसे कि हरियाणा हरियाणा में गुड़गांव में भी एक अथॉरिटी है और दूसरा गुड़गांव के अलावा भी एक अथॉरिटी है तो दो अथॉरिटी इन्होंने बना रखा है सिर्फ हरियाणा ने उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है सर दो स्टेट या एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिल करके एक अथॉरिटी बना रहे हैं। जैसे कि अंडमान एंड निकोबर आइलैंड और तमिलनाडु ये दोनों का मिल करके एक ही लेरा अथॉरिटी है जो तमिलनाडु वाली अथॉरिटी है तो ऐसा ऑप्शन सर लॉ ने दिया है उसके अलावा सर अथॉरिटी का कंपोजिशन वगैरह जो ये सब चीज़ें ये सब बहुत बेसिक है कि अथॉरिटी में कौन बनेगा कौन चेयरपर्सन होगा कितना एक्सपीरियंस होगा ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो मैं अभी कवर नहीं करूंगा सर इंपॉर्टेंट चीजें ये है रिमूवल ये के पांच पॉइंट्स भी आपको याद हो ही गए हैं क्लास में मैंने बहुत बार करवा दिए हैं एक आपको ऊपर टर्म्स से रिलेटेड शायद सर टर्म्स ऊपर चला गया होगा मैं आपको बता देता हूं जो रेरा अथॉरिटी में जो चेयरपर्सन होते हैं जो मेंबर्स होते हैं ना उनका टर्म होता है पांच साल का रीअपॉइंट नहीं हो सकते वो और उनकी मैक्सिमम एज होती है सिक्सटी फाइव ईयर्स अगर सिक्सटी फाइव ईयर्स अटेन हो गया तो उनको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा Function.

कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट मत करना जिसके वजह से ऑर्डर का पूरा सब्सटैंडिव पार्ट चेंज हो जाता है और अमेंडमेंट छोटे, छोटे छोटे अगर अपेरेंट मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उस, उसको अमेंड कर लेना सर सेक्शन 40 रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कॉम्पनसेशन अगर सर आप किसी भी तरीके का ऑर्डर दिया कि डी एच जो तू है ना डीएलएफ तो तुमको ना क्या करना पड़ेगा पैसे रिफंड करने पड़ेंगे या इंटरेस्ट देना पड़ेगा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो अगर आप पे ऐसा ऑर्डर आया है और अगर आप नहीं पे कर रहे हो ना तो अथॉरिटी के पास पावर है कि उस पैसों को अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करे और उसका प्रोसीजर अलग है सर अब एक बड़ा सा बड़ा अजीब सा केस लॉ था सर ये न्यूटेक प्रमोटर वाला उसमें बहुत सारी चीजें डिसाइड हुई उसमें किसी ने ना लिटरल इंटरप्रिटेशन ले लिया था

सर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जो रेरा अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की है तो इन्होंने बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक काउंसिल बनाएगी जिसका नाम सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल होगा उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे बहुत सारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनका काम क्या होगा उनका काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना इन फ्रेमिंग लॉज रिलेटेड टू रियल स्टेट उनको जो भी रियल स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज बनानी है वो पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगी उनका फंक्शन ब्रॉडली क्या होगा सर फंक्शन ऑन एडवाइज एंड रिकमेंड सेंट्रल गर्वमेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट ऑन मेजर क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी और टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट ग्रोथ ऑफ रियल एस्ट सेक्टर एन अर मैटर एज में भी असाइन टू एट ये किसका काम होगा सी एस सी का काम होगा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी स्टेट गवर्मेंट नहीं रेरा कौन बनाता है सर स्टेट गवर्नमेंट रेरा रियल स्टेट अपलेट ट्रिब्यूनल जिसको मैं रिएट रिएट करूंगा रिएट कौन बनाता है सर ये भी स्टेट गवर्नमेंट बनाता है सेम प्रोविजन सर हर स्टेट गवर्नमेंट का एक साल के अंदर रिएट स्टेब्लिश हो जाना चाहिए कोई दो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के एक रिएट बना सकते हैं जैसे कि सेम अंडमान निकोबर और तमिलनाडु या फिर मार, मुंबई महाराष्ट्र और दमन दीव ये लोगों का मिलाकर के एक रिएट है जैसे कि एक रह रहा है इनका और वो रिएट जो एक साल के अंदर फॉर्म हो जाना चाहिए और अगर एक स्टेट चाहे ना एक से ज्यादा रेट हो सकता है क्या नहीं सर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है उसके बाद सर अब क्या होगा रिएट बंद तो जाएगा लेकिन उसमें अपील किसका जाएगा सर सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर एनी पर्सन अग्रीव ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी एनी पर्सन अग्रीव बाई ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी कौन सा अथॉरिटी है सर जो स्टेट गवर्नमेंट ने रेरा अथॉरिटी बनाया है उसके ऑर्डर से अगर कोई अग्रीव नाराज हो गया तो वो चला जाएगा किसके पास वो चला जाएगा अपलेट अथॉरिटी के पास अपलेट ट्रिब्यूनल के पास भैया कौन लोग जा सकते हैं प्रोमोटर रियल स्टेट एजेंट या फिर आपका अलॉटिंग प्रमोटर रियल एस्टेट एजेंट या तो, अलॉटी तू चले जा भाई बिंदास रियल एस्टेट एजेंट तू चले जा बिंदास लेकिन प्रमोटर होशियार अगर तुम जा रहे हो ना रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास क्या अपील करने के लिए तो अपील करने के पहले आपके ऊपर जो चार्जेस आए हैं ना वो आपको इन फुल डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे या फिर पेनल्टी का थर्टी परसेंट आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा किसके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपनी अपील फाइल करने के पहले मतलब सर अगर रियल रेरा ने ऑर्डर पास किया प्रमोटर पे कि भैया तेरे को सौ करोड़ की पेनल्टी भरनी है तो आपको या तो वो सौ करोड़ या तीस करोड़ जैसा भी जो भी वो कहें

टलीस्ट थर्टी परसेंट ऑफ दी पेनल्टी कम से कम पेनल्टी का थर्टी परसेंट या तो डिपॉजिट कर दो और सच हायर परमाउंट टू बेड बाई दलूडिंग इंटरेस्ट इंपोज ऑन हेम एज द केस में बी बिफोर दील इज हर्ड जैसा भी केस हो सर जैसा आपको बोला जाए रिस्पेक्टिव अपले ट्रिब्यूनल के पास वैसा आपको क्या करना पड़ेगा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा उसके बाद ही अपील सुनी जाएगी सर अब न्यूटेक का एक और केस जो था मतलब सेम केस में एक और क्वेश्चन था कि भैया ये जो तुम प्रमोटर पे ये कंडीशन लगा रहे हो कि तुमको डिपॉजिट का अमाउंट देना पड़ेगा पहले इज इट नॉट डेरोगेटरी मतलब अपील करना तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना कॉन्स्टिट्यूशन से आता है तो तुम प्रमोटर को कैसे हैंडल कर रहे हो तो लॉ कह रहा है कि भैया लॉ का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो होम बायर्स है ना उनका पैसा वेस्ट ना हो जो होम बायर है उनका पैसा एक तरफ सेफ हो जाए फिर अपन अपील अपील के तो भैया इट इज नॉट एट ऑल डिरोगेटरी एंड इट इज एप्सोलूटली इन कम्प्लायंस विद द लॉ अब सर समझते हैं अपील का प्रोसीजर क्या होगा जैसे एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी कौन है रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करनी है तो आप किसके पास जाओगे आप जाओगे अपील ट्रिब्यूनल के पास कितने समय के अंदर सर लॉ ने बोला एनी अग्रीव पर्सन द अप्रोप्रियट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनी अग्रीव बाई ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी और दी एजिकेटिंग अथॉरिटी सर यहां पे एक नया वर्ड आया एडजडिकेटिंग ऑफिसर एडजेटिंग ऑफिसर क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में एक अथॉरिटी रह रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एडजुकेटिंग ऑफिसर होंगे जिनके पास लिमिटेड पावर है जो अपन नीचे पढ़ेंगे जैसे सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन फोर्टीन ये सारे पावर हो गए उन लोगों के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अग्रीव हो तो आप किसके पास जाओगे अपने ट्रिब्यूनल के पास विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर लेकिन अगर साठ दिन के अगर अंदर नहीं जा पाए और अगर उसके लिए सफिशिएंट कॉज है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अपले ट्रिब्यूनल के इस पर अपले ट्रिब्यूनल जो है द अपले ट्रिब्यूनल विल आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिल पास ऑर्डर जैसा उसको ठीक लगता है और जो ऑर्डर है वो कॉपी सबको भेज देगी अपले ट्रिब्यूनल को ये बोला गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सब चीज़ों से डील करोगे लेकिन आपके पास 60 डेज का टाइम रहेगा साठ दिन के अंदर तो किसी भी हालत में ऑर्डर पास कर देना अगर साठ दिन में नहीं कर पा रहे हो ना तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हम साठ दिन के अंदर भी ऑर्डर नहीं पास कर पा रहे हैं कॉम्पोजिशन क्या होगा सर अपले ट्रिब्यूनल का क्वालिफिकेशन क्या होंगे अच्छा जो मैंने ऊपर आपको बता दिया था वो यहाँ पे आया कॉम्पोजिशन और जो

रेरा एक्ट के अंडर जो रिएट में बैठता है रिय, रियल स्टेट अपने ट्रिब्यूनल में उसमें चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज कितनी है सिक्सटी सेवन ईयर्स है सर सैलरी और अलाउंस वो सब आप देख लेना रिमूवल भी सेम प्रोविजन है से, रिमूवल के लिए आपको रिमूवल का एक पॉइंट बता देता हूँ सर जनरली क्या होता है ये जो रेरा में या रिएट में जो अपने जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना ये लोग जज होते हैं हाई कोर्ट के तो अगर आप इन लोगों को किसी ग्राउंड पर रिमूव कर रहे हो ना तो लॉ कहते हैं उनको रिमूव करने के पहले इंक्वायरी करवा लेना और जब जज का जो एक, एक जो हाई कोर्ट का एक जज है ना जब वो इंक्वायरी करके बोल देगा हां भैया गलत है तो आप इसको रिमूव कर देना बिना इंक्वायरी के और बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर के इनको रिमूव मत करना रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सच सर ये ऊपर भी था रे, रेरा वाले लोगों के लिए भी था ऐसा इन्होंने बोला है कि भैया एक बार तुम रेरा या रिएट में एक ऑफिसर हो ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका टर्म खत्म हो गया आप किसी जाके प्राइवेट वाले डेवलपर के गोदी में जाके बैठ गए नहीं भैया आप डीएलएफ या ये जितने भी प्राइवेट अथॉरिटी प्रोमोटर्स हैं इन लोगों से दूर रहोगे हाँ आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाकर जॉब ले सकते हो लेकिन किसी भी तरीके का एडवाइस या जॉब या कंसल्टेंसी आप किनको नहीं करोगे प्राइवेट लोगों को लाइफ टाइम नहीं करेंगे सर हाँ लाइफ टाइम नहीं करोगे ऐसा कोई टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया इन्होंने

लॉ ने क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में कोई क्लैरिटी नहीं दी है यहाँ पे तो आप ये अज्यूम करो हाईकोर्ट के पास आप किसी भी केस में चले जाओगे विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द ऑर्डर लेकिन सिक्सटी डेज के बाद भी अगर सफिशियंट कॉस्ट शो करोगे तो वो आपके एक्सेप्ट कर लेगा आपकी अपील को ऑफेंशेस पेनल्टी एंड एडजडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से एमसीक्यू बनेगा सर सबसे पहला सेक्शन 59 कहता है कि अगर सेक्शन थ्री में जहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना था वहां अगर एक प्रमोटर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं रजिस्टर करवाता है ना तो उस पर पेनल्टी लगेगी पहली अप टू टेन परसेंट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका टेन तक का उस पर पेनल्टी लगेगा और अगर वो जो पेनल्टी लगी है वो पे करने में अगर वो कुछ गलती करता है या फिर नहीं पे करता है ना तो उसको जेल होगी कितना सर अप टू थ्री ईयर्स की इम्प्रेजनमेंट होगी और और फाइन और उस, उसके ऊपर से और फाइन लग सकता है सर विल बी फर्दर ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट था मान लो सौ करोड़ रुपए अगर उन्होंने ऑर्डर पास किए कि भैया दस करोड़ रुपए की पेनल्टी बनती है तेरी तो पे कर देना अगर नहीं पे किया तो अभी तक तो सिर्फ पैसे मांग रहे थे अब जेल में भी डालेंगे और साथ में और पेनल्टी लगाएंगे दस करोड़ की अप टू टेन करोड़ से सर वो हो गया कब जब आप सेक्शन थ्री का कॉन्ट्रीवेंशन करते हो अब अगर आप सेक्शन फोर का कॉन्ट्रोवेंशन करते हो मतलब जो एप्लीकेशन आपको देना है रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट्स डालते हो तो आपको अपटू फाइव परसेंट ऑफ द

Osionfish. किस पे पेनल्टी लगेगी सर प्रमोटर पे और प्रमोटर पे और रियल एस्टेट एजेंट पे कब पेनल्टी लगेगी सर अगर आपने अपलेट ट्रिब्यू और तीसरा पेनल्टी लगेगी अलॉटी पे तीन लोगों पे पेनल्टी लगेगी प्रमोटर एजेंट और अलॉटी किसके कब पेनल्टी लगेगी सर अगर आपने कोई रेरा के ऑर्डर्स नहीं माने अगर आपने कोई अथॉरिटी के अपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स नहीं माने तो सर सुनिए सबसे पहला अगर कोई रियल इस्टेट एजेंट है पहला पहला दो कंडीशन जो है वो रियल स्टेट एजेंट पहला प्रमोटर के लिए है ठीक है

पेनल्टी प्रोमोटर के लिए अप टू फाइव परसेंट और ये जनरेट पेनल्टी है रियल स्टेट एजेंट के शुरू करते हैं सुनिए अगर प्रमोटर ने ऑथॉरिटी के ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं किए मतलब ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं किए तो उसको पेनल्टी लगेगा हर दिन का क्या अमाउंट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया तो उसका पेनल्टी जो है सर, उसके साथ साथ जेल भी लगेगा उसको इम्प्रिजनमेंट अपू थ्री तीन साल की जेल लगेगी और डे विच में एक्सटेंड अपू टेन परसेंट सर यहाँ परसेंट था आपके पास जो टेबल है वो खोल लो प्रमोटर अगर अथॉरिटी की बात नहीं सुनता है तो पांच परसेंट पेनल्टी

पेनल्टी लगेगी टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट और अगर सर है वो अथॉरिटी की बात नहीं सुनता है तो उस पर पे भी पेनल्टी लगेगा जितने समय के लिए वो वो डिफॉल्ट किया अप टू वापस से 5 है सर लेकिन अगर अपलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं सुनता है तो उसको जेल हो सकती है एक साल तक का और फाइन हर दिन का लगेगा अपटू टेन परसेंट मतलब सर ये समझ लो अथॉरिटी के केस में पांच परसेंट तक की पेनल्टी और अगर अपलेट ट्रिब्यूनल आ गया तो जेल हो जाता है और दस की पेनल्टी आ जाती है अलॉटी और एजेंट को

अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कोई भी केस जाएगा तो उसको साठ दिन के अंदर डील करना पड़ेगा अगर नहीं कर रहा है तो उसको रीजंस देने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग राइटिंग में और उसके पास सारे पावर होंगे सर जैसे कि समन करना किसी को बुलाना सुनवाई करना इंक्वायरी करना और फिर अपने हिसाब से जो भी कॉम्पनसेशन उसको लगता है ठीक वो पास करना सर ये बहुत ही बकवास है सुनो

सर एक्चुअली ना ये सब केस लॉज में आप अटक जाओगे ये केस लॉ को छोड़ दो जो इंपॉर्टेंट केस लॉ था मैंने आपको बता दिया ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ आएगा सर ये देखिए फैक्टर्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट बाई द एजुडिकेटिंग ऑफिसर जो दोनों ग्रुप पढ़ रहे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये सेम पॉइंट सभी में भी थे जब आप कॉम्पेंसेशन का अमाउंट डिसाइड कर रहे हो तो आप क्या फैक्टर्स देखोगे पहला कि भैया जिसने गेन हुआ है उसको कितना disproportionate gain हुआ है कितना सर एक फंड बनाएंगे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी लोन और ग्रांट्स देगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लोन्स और ग्रांट्स देगा एक फंड बनाएंगे जिसका नाम होगा रियल स्टेट रेगुलेटरी फंड जिसमें जो भी ग्रांट्स आए हैं वो सारे ये पैसे यहाँ पे आएंगे और फंड जो है सैलरीज वगैरह पे करने के लिए अप्लाई होगा अब सर सुनो जितने भी पैसे यूनियन टेरिटरीज के पेनल्टीज या कॉम्पनसेशनस आए हैं वो जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो स्टेट गवर्नमेंट के आए हैं सर वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो खुद खुद का फंड बनाया है उसके पास पैसे में जाएंगे बजट अकाउंट्स एनुअल रिपोर्ट ये सब बेकार है सर आप पढ़ लेना अब आ जाते हैं सेक्शन एटी सेवन और एटी पे सब पढ़ लेना सर सब बेकार है ये आ जाओ सेक्शन 88 और 89 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर सेक्शन 88 क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बाड मतलब क्या अगर जब रेरा एक्ट आया है ना तो बाकी एक्ट्स को हम कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी एक्ट्स आराम से चल सकते हैं पैरेलली उनका कोई डेरोगेशन नहीं होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर लास्ट में इंपॉर्टेंट है छुपा के रखा था यहीं से क्वेश्चन आएगा और इस पे केस लॉस भी बहुत है दूसरा

जब जैसे ही रैरा चल रहा था रैरा आया और उनका वेस्ट बंगाल का हीरा था वेस्ट बंगाल एच आई आर ए तो वेस्ट बंगाल हीरा के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया बोले क्या मजाक कर रहे हो तुम सेंट्रल ने बना रखे ना तुम सेम प्रोविजन कॉपी करके अपना एक्ट बोल रहे हो जबरदस्ती कोई मतलब नहीं है उसके एक्ट को स्क्रैप कर दिया और बोला रेरा विल प्रिवेल

क्लास के साथ आपने पढ़ लिया अभी रिवाइज कर लिया बस खत्म और कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में ये आपको तब काम आएगा जब आप रह के केस स्टडी सॉल्व करने वाले हो सारे केस स्टडी सॉल्व करने वाले हो तो ये सारे प्रोविजंस आपको रिकलेक्ट होंगे और आपको आंसर्स में हेल्प होंगे ओके थैंक्स लॉड फॉर वॉचिंग आई इज सी यू लेटर बाय